नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 85। दिनांक 5 जनवरी 2020 दिन रविवार को दिनारा प्रखंड के भलुनी धाम उच्च विद्यालय के मैदान में माँ यक्षिणी जन कल्याण परिषद के सौजन्य से फुटबॉल मैच का आयोजन कराया गया। फुटबॉल का ये फाइनल मैच सासाराम और भभुआ की टीम के बीच हुआ, जिसमें भभुआ की टीम विजयी रही। खेल तय समय तक टाई रहा था तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, फिर एक्स्ट्रा टाइम तक भी खेल टाई रहा तो पेनाल्टी शूट आउट कराया गया, जिसमें भभुआ की टीम विजयी रही। मैच का उद्घाटन राजद नेता सुधाकर सिंह और दिनारा के प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार दास ने संयुक्त रूप से किया। मैच के उद्घोषक का काम शिक्षक मनोज सिंह ने किया। इस मैच में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी दिनारा, तेनुज पैक्स अध्यक्ष संजय जायसवाल, कन्हैया शर्मा, बद्री सिंह, विजय कुमार मंडल, राजद अध्यक्ष रोहतास, मोहम्मद साजिद हुसैन, दिनारा मुखिया प्रतिनिधि ललन खां, राम बच्चन पांडे, राजद अध्यक्ष दिनारा भाई संतोष, विजय वार्षने, डॉक्टर मुना सिंह, आरटीआई चौधरी चरण सिंह। वहीं आयोजनकर्ता मायक्षिणी कल्याण परिषद के तरफ से शिक्षक मनोज सिंह, संजय यादव, संजीव कुमार, संदीप कुमार, उपेंद्र। परिणाम बदल गया, एक एक की बराबरी पर दोनों ही टीम भभुआ और सासाराम की। और एक सफाई से गैदर किया, एक गेंद अनियंत्रण, एक अवसर था। चलिए एक बार सब उठ करके पकड़ लीजिए सबको, ये बहुत बड़ी ट्रॉफी है, बहुत बड़ी जीत है, संघर्ष की जीत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट ऐसे हो, थोड़ा सा ये बाइट दे दीजिए, 2 मिनट आप पकड़ के थोड़ा सा पकड़ लीजिए आप। हाँ चलिए ठीक, बुलवा लीजिए। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय अपने पूरे टीम को देना चाहेंगे, हमारी टीम अच्छी खेली है। और मेरी टीम बहुत अच्छी खेली है और इसके लिए जीत के लिए बहुत सारे बधाई, इस कमेटी के भी बहुत सारे बधाई दे रहे हैं। एक गोल से हार गए हैं तो इसके लिए आपको कहाँ लगता है कि कहीं चूक हो गई? चूक देखिए खेल में तो होता है, ऐसा बात नहीं है, हम लोग सुधार करेंगे। और ऐसा पेनाल्टी मारने में हम लोग खेल में तो एक गोल से बराबर रहा, दोनों तरफ एक एक गोल हुआ, खेल बहुत अच्छा रहा, ऐसा बात नहीं, दोनों टीम बढ़िया खेली। हम लोग पेनाल्टी मारने में एक गोल से चूक कर गए। अपना नाम बता दीजिए सर। चंद्रधन सिंह रोहतास सासाराम। तो इधर के लोगों का आपका व्यवहार कैसा लगा जो इधर के अच्छा रहा? ऐसा बात नहीं है, ग्राउंड थोड़ा गड़बड़ है इसलिए ग्राउंड तो बनना चाहिए, और खेल देहात में अच्छा नहीं हो रहा है, हर जगह माने बहुत दिक्कत है खेल का, इसलिए अरे फिर भी आज आए बहुत बढ़िया रहा। फिर जो अगली बार पुनः आना चाहेंगे? अवश्य आएंगे, हर साल लोग बुलाते हैं, हम लोग आते हैं। अगला बार हम लोग जीते थे फाइनल, माँ का धाम भी है, माँ का धाम है, दर्शन भी हो जाता है जी। थोड़ा हम लोग का सिगरेट भी सचिव है भी थोड़ा। रोहतास जिला। सर अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। हम बिमल कुमार सिंह रोहतास स्पोर्टिंग क्लब के सेक्रेटरी हैं, प्लस जिला फुटबॉल एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष हैं, ऐसे हम जुआ राजद जिला रोहतास के जिला महासचिव भी हैं। हम सबसे पहले कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं। कमेटी हर साल लोग आयोजन अच्छा कराते हैं, हमारी टीम बराबर आती है, राष्ट्रीय खेल के टीम अच्छा खेला, दोनों के ध्यान को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों टीम के लड़के अच्छे खेले, खेल में हार जीत होता है, बैठ लग रहा, हमारा टीम टाई ब्रेकर में 4-3 से हार गई।
सभी यहाँ आए हुए दर्शकों और आप मीडिया के बंधुओं को भी हमारे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। सर आप यहाँ पर जो मैच खेलाए हैं भवानी धाम के प्रांगण में, आप प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ कराते रहते हैं शिक्षक होने के नाते, आप इस कमेटी के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा उन तमाम दर्शकों का आपके टीवी चैनल के माध्यम से, जितने लोग सुन रहे हैं और जितने यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, आप सब भी यहाँ आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए एक अंदर से फीलिंग है कि हमारा जन्म हुआ है ऐसे जगह पर, धार्मिक स्थल पर, जहां हमें कुछ करना चाहिए और ये मानसिकता लेकर हम जीते हैं और चाहते हैं कि अगर जितना ही यहां बेहतर काम होगा, भलोनी माँ भवानी का पूजा करने से नहीं, यहां के उत्थान करने से उद्धार होगा लोगों का, यही मेरे मन में एक लालसा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो काम हो भलोनी धाम के नाम पर हो, उसमें आगे या पीछे भलोनी शब्द जुड़ा हुआ हो, ताकि ये बहुत पवित्र धाम है और हम लोग चाहते हैं कि मनोरंजन होता रहे। देखिए वोट क्या है, वोट विभाजन कराता है, लेकिन खेल जो है वो जोड़ने का काम करता है। तो हम लोग चाहते हैं कि राजनीति तो अलग है, अपने जगह पर होती है, लेकिन कुछ पल ऐसा हो जाए सारे लोग एक जगह उपस्थित होकर बैठे और मिलकर देखे, किसी तरह का डर भय नहीं, कोई सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे सब में, और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ बस इतना ही, आपको भी बहुत